चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या बेल आइकन नहीं प्रेस किया जरूर कर लें, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस की सूचना मिलती रहेगी। आइए हम पहले कमेंट्स लेंगे, उसके थोड़े से उत्तर देंगे, उसके बाद हम किसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। एंटरटेनमेंट वन, यहाँ पे इन्होंने कमेंट किया हुआ है, नो सैंक्शन ऑन बासमती लाइफ टाइम बिजनेस। और ओके, तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया, लाइफ टाइम बिजनेस तो इसलिए इनका अच्छा है, नो सैंक्शन ऑन बासमती। एनीवेज, आपने कुछ अच्छा ही कमेंट दिया हुआ है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज्योति साहब ने पूछा है, कहा है कि योर व्यूज नॉट क्लियर, व्हाट्स योर व्यूज प्लीज़ मेंशन। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे बाइंग की सलाह या होल्ड की सलाह या ख़रीदने की सलाह, अच्छा ऐसा कुछ होगा। चलिए, मैं आगे से आइंदा ध्यान रखूँगा और ज़रूर इस पर मैं अपना व्यू रखा करूँगा। थैंक यू ज्योति जी, आपने अच्छा सुझाव दिया। और रघु सेठ साहब ने पूछा, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। थैंक यू रघु जी, थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए हमारा चैनल की वीडियोज़। और कौस्तुभ पॉल साहब ने पूछा, और कितना नीचे गिरेगा? मैं तो 8 जुलाई यानी आज ख़रीदने की सोच रहा हूँ, 6 मंथ के लिए, 2 गुना हुआ तो निकल जाऊँगा। साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो पॉल साहब मैं आपको बता दूँ कि साउथ इंडियन बैंक अभी 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप चाहें तो अगर 100 रुपये मान लीजिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसमें 25 रुपये के आप शेयर्स ले लीजिए, और उसके बाद 6 महीने में अगर डबल हो गया तो आपकी किस्मत। मैंने ऐसा नहीं कह रहा, कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिलता है तो भी निकल जाइएगा आप। मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, अगर आपको लाभ मिलता है ऊपर के लेवल पे, और अगर डबल हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। मनोज शाह के साहब ने कहा, प्लीज़ सर अगेन एनालिसिस ऑन यस बैंक एट करेंट मार्केट एवरी डीप पर स्मॉल क्वांटिटीज़ मैं बाई कर रहा हूँ, क्या करें? मनोज जी, आपको मैं बधाई देता हूँ, और आपने अमल करना शुरू कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप हर गिरावट पर आप ख़रीद रहे हैं एक अच्छे बैंक के स्टॉक को। और किसी को कुछ नहीं पता कि कितने नीचे के लेवल तक जाएगा, इसलिए जो लोग SIP करते हैं उनको कभी मतलब उतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, क्योंकि उनका एवरेज होता रहता है। और जब कंपनी या जब बैंक या जो स्टॉक ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा, तो उनको स्टेप बाय स्टेप अच्छा मुनाफा बुक करने के चांसेस अच्छे रहते हैं। तो चलिए हम आज बढ़ते हैं, चलिए यस बैंक की तरफ। तो यस बैंक के हम NSE के साइड पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चल रहा है। और जुलाई 8, 2019, 3:07 है, 92 रुपीज़ के भाव पे ट्रेड हो रहा है। आज सेंसेक्स में ज़बरदस्त गिरावट है, 850 पॉइंट के आसपास, और निफ्टी में 250 पॉइंट्स के आसपास। तो मेरी संवेदनाएं हैं सब लोगों के साथ। और 5.6% की अपसाइड है, जबकि इसने आज 52 वीक लो बनाया था 85, फिर इसने बाउंस बैक किया। तो अगर हम इस समय की करंट स्थिति देखते हैं सेलिंग क्वांटिटी और बाइंग क्वांटिटी पे, तो 50 लाख के आसपास सेलिंग क्वांटिटी है और बाइंग क्वांटिटी से ज़्यादा है, जबकि 73 लाख के आसपास है। और अगर हम निफ्टी का पी देखें, देखिए जिस प्रकार से हम किसी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे निकलता है? मान लीजिए कि अर्निंग पर शेयर जो भी है उसको आप, जो भी स्टॉक का प्राइस है वर्तमान, उस पर अगर आप डिवाइड करते हैं तो पी रेशियो निकल के आता है इस प्रकार से। जैसे कि समझ लीजिए कि अभी यहाँ पे अगर हम EPS देखते हैं, तो EPS जो निफ्टी 50 का है, EPS चल रहा है 406 रुपये, ये देखिए। और इसका अगर हम देखते हैं प्राइस, तो प्राइस चल रहा है इसका, एक सेकंड हम प्राइस भी देख लेते हैं, 11,558 चल रहा है निफ्टी 50 का, जो इंडेक्स का 11,500। तो अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 406 में, तो वो निकल के आएगा पी रेशियो यहाँ पे करीब करीब 29 पॉइंट समथिंग। तो इस प्रकार से पी रेशियो निकल जाता है, जिसपे हम ये गेस कर सकते हैं कि अंडर वैल्यूड है या नहीं है। इसी प्रकार जिस प्रकार से किसी स्टॉक का हम देखते हैं, तो ऑब्वियसली 20 के आसपास का पी रेशियो निफ्टी 50 का अच्छा माना जाता है, जो कि अपने 20 के ऊपर, 15 से 20 के आसपास जनरली जो मार्केट में अलग अलग एक्सपर्ट्स कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 30 के आसपास एक एक्सपेंस काफ़ी हाई लेवल पे माना जाता है, इसलिए थोड़ा सा वो करेक्ट करता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन बहुत सारे रीज़न है बजट को लेके भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो अचानक बहुत भयानक गिरावट है। तो आज हम यस बैंक पे करंट स्थिति देख ही चुके हैं, और यहाँ पे देखिए अगर एक्शन इन यस बैंक देते हैं मनी कंट्रोल की साइड पे, तो ब्लॉक डील हुई है सुबह सुबह ही, क्वांटिटी कितनी थी, 5,26,473 क्वांटिटी, डील प्राइस वाज 86, और टाइम था, इट वाज टाइम वाज 9:20 9:20 पे सुबह प्रातः 8 जुलाई को आज एक ब्लॉक डील भी हुई है। और वर्तमान जो कैपिटल इसका है 21,496 करोड़, अभी थोड़ा करेक्ट भी होगा। और EPS है 7.42 रुपये, पी रेशियो 12.49 की, बुक वैल्यू देखिए अभी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ये ट्रेड कर रहा है।
तो ऑब्वियसली अंडरवैल्यूड है, क्योंकि बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू इस प्रकार से निकाला जाता है कि जो कंपनी की टोटल नेटवर्थ है उसकी, जो भी अगर बेच बाच के उनको जितने भी शेयर्स हैं डिवाइड करते हैं तो 111 निकलती है। प्राइस टू बुक है 0.83 इस वजह से भी, और फेस वैल्यू है 2 की। डिलीवरी काफ़ी पुअर है, 21% के आसपास। और अगर हम फाइनेंशियल पे चलते हैं तो बैलेंस शीट पे देखते हैं, टोटल एसेट्स इनके जहाँ 3,12,445 करोड़ के आसपास है। कर्जा मत देखिए, क्योंकि ये पैसा लेके ही पैसा ब्याज पे देती, तब इनको जाके यहाँ पे कमाई होती है इंटरेस्ट पे। और सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मैनेजमेंट को लेके इशू आया तो 404 के अपने साल के हाई से जब टूटना शुरू किया लगातार, फिर बीच में बाउंस बैक भी किया जब उसका मैनेजमेंट चेंज हुआ, लेकिन जब यहाँ पे Q4 में मार्च 19 2000 फाइनेंशियल ईयर 2019 के Q4 में जब 1,500 करोड़ का लॉस दिखाया गया, उस समय इस पर ज़बरदस्त भयानक गिरावट आई। और तब से लगातार धीरे 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 धीरे, चाहे वो रेटिंग एजेंसियों की वजह से, चाहे इसमें अंदर की गड़बड़ियों की वजह से, या MPO की वजह से, बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से लगातार इसमें गिरावट, लेकिन आज इसने बाउंस बैक किया, आज हारे के निशान पर, जबकि सेंसेक्स में मोस्टली स्टॉक्स सब टूटे हुए हैं। तो फिर मैं एक बार यही कहना चाहूँगी येस बैंक पे कि आप फिर हर गिरावट पे ख़रीदते रहें, और ऐसे मौके पे जबकि बजट को लेके हमारा बहुत मार्केट गिर चुका है, जो बजट पेश किया गया उसमें सह नहीं पाया, कई रीजंस हो सकते हैं डिटेल्स में, तो ज़रूर आप एवरी डिप पे येस बैंक को, अगर आपको लगता है लंबे समय के निवेशक हैं तो आप इसमें ज़रूर हर डिप पे ख़रीदारी करते रहें, हर गिरावट पे ख़रीदारी करते रहें। आपको अच्छा मुनाफा, जब इसका अच्छा समय आएगा, जब ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, तो हमेशा आपको प्रॉफिट देता जाएगा अगर आप इसमें SIP कर रहे हैं। इसलिए पूरा पैसा मत इन्वेस्ट करिए, क्योंकि पूरा पैसा लगाएंगे तो फंस जाएंगे आप, अगर और नीचे चला गया तो आपका पैसा फंसा रहेगा खामखा। तो यही मेरी सलाह है, और मैं यहीं पर वीडियो वाइट अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।